नमस्कार, एशियन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़। रायगढ़ जिला पुलिस को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दो नए थानों की सौगात दी गई है। रायगढ़ जिले के चकधर नगर में नवीन थाना तो दूसरी तरफ सारंगढ़ के किरार में नए थाना की स्थापना गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा ऑनलाइन किया गया। इस दौरान उनके साथ उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल व बिलासपुर रेंज के आईजी दीपांशु काबरा भी उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक ने कहा है कि सारंगढ़ और रायगढ़ में नया थाना भवन होने से निश्चित तौर पर पुलिस के कार्यशैली में और तेजी आएगी और रायगढ़ पुलिस शुरू से ही संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में काफी सराहनीय कार्य कर रही है। चाहे वह बाढ़ पीड़ितों के लिए संवेदना की मुहिम हो, चाहे मास्क अभियान के तहत एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करना हो, अपराधियों पर भी खौफ रायगढ़ पुलिस का लगातार दिख रहा है। हमारी सरकार पुलिस महकमे के लिए जो भी प्रपोजल आएंगे उन्हें स्वीकार कर जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि किराड़ में नवीन थाना खुलने व चकधर नगर थाना नूतन भवन के बन जाने से अब पुलिसिंग में कसावट आएगी। आज रायगढ़ पुलिस को हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने दो सौगात दिया है। एक तो हमारा चकधर नगर थाना का भवन पुराना हो गया था और छोटा था, उसकी जगह नया भवन मिला है। और सारंगढ़ का केदार छीन इलाका बोलते हैं, एक बड़ा इलाका है, जंगल से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पहले नक्सली मूवमेंट भी होता था। उस तरह वहाँ पर एक नया थाना भवन और थाना दोनों दिए हैं, तो ये पुलिस विभाग की एक बड़ी सौगात मिली है। इसके लिए मैं माननीय हमारे मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और पुलिस विभाग को बधाई देता हूँ। आज रायगढ़ पुलिस को दो सौगातें माननीय गृह मंत्री के हाथों मिली है, जिसमें हमारे लोकल जनप्रतिनिधि भी यहाँ के विधायक जो प्रकाश नायक जी और केदार से माननीय विधायिका श्रीमती उत्तरी जांगड़े जी जुड़ी हुई थी, जिसमें ये प्रोग्राम रखा गया था। उसमें केदार थाना जो काफ़ी समय से मांग थी जिसके सारंगढ़ थाना क्षेत्र में, उसका शुभारंभ आज किया गया। दूसरा जो है ये चक्रधर नगर थाना जो हमारा बहुत पुराना थाना है, लगभग 50 लाख की लागत से एक नवीन थाना भवन जो है उसको मिला है। इससे उम्मीद कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा और नया थाना खुलने से पुलिसिंग में और कसावट आएगी और आने वाले समय में लोगों को इससे मदद मिलेगी। इस अवसर पे आज एक छोटा सा आयोजन जो रखा गया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ये कार्यक्रम था, क्योंकि कोविड के समय में हमें संक्षिप्त कार्यक्रम रखने रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस कार्यक्रम में आज ये दोनों आयोजन जो है वो सफल हुए और मैं इसके लिए पूरे पुलिस स्टाफ को और लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। आज का जो इसमें आयोजन था उसमें माननीय गृह जेल लोक विभाग श्री ताम्रध्वज साहू जुड़े हुए थे, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। साथ साथ यहाँ जो लोकल विधायक श्री प्रकाश नायक जी और उत्तरी जांगड़े विधायिका सारंगढ़ जुड़ी हुई थी, साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए थे और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी इस आयोजन के अवसर पर उपस्थित थे। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट, एशियन 24।